नमस्कार दोस्तों, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अपने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जैसा कि आपको 4 अप्रैल को पलपल ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की सूची तैयार है, केवल शुभ मुहूर्त का इंतजार है। तो आज नवरात्रे के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 में से 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हिसार व रोहतक को अभी होल्ड किया हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उनमें से 7 उम्मीदवार आपको हमने पहले ही बताए थे, तो आपको बता रहे हैं। अंबाला से रतनलाल कटारिया, फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुज्जर, करनाल से भारतीय जनता पार्टी ने आखिर अपने संगठन को महत्व देते हुए महासचिव संजय भाटिया को, कुरुक्षेत्र से मंत्री नायब सैनी को, सिरसा से सुनीता दुग्गल को, गुड़गांव से राव इंद्रजीत जो केंद्रीय मंत्री हैं, भिवानी से अपने सांसद धर्मवीर सिंह को व सोनीपत से रमेश कौशिक जो पहले से सांसद हैं उन्हें टिकट दिया गया है। हिसार व रोहतक में अभी भी भारतीय जनता पार्टी किसका इंतजार कर रही है यह तो समय बताएगा, लेकिन हिसार से रणवीर गंगवा व ब्रजेंद्र सिंह, कैप्टन अभिमन्यु का नाम चल रहा है। वहीं रोहतक से भी अरविंद शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु अथवा राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर में से किसी को टिकट दिया जा सकता है। आज इतना ही, नमस्कार। कितने के?